ओडिशा में इन दिनों सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ओडिशा की नवीन पटनायक की सरकार गरीब आदिवासी मूलवासियों के हित के खिलाफ काम कर रही है। किसानों की जमीन का सौदा बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर रही है। इसका विरोध करने पर तानाशाह की तरह किसान आदिवासी मूलवासी गरीबों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। आने वाले समय में उड़ीसा की जनता इसका माकूल जवाब देने वाली है। ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन ने कही हैं। उड़ीसा में रांची जाने से क्रम में मीडिया के साथ बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि उड़ीसा में जेएमएम का जनाधार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, लेकिन इससे दोगुने कद्दावर लोगों ने पार्टी का दामन भी थाम कर संगठन को मजबूत बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा में भी अगली सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से ही बनेगी। आदिवासी मूलवासी की जमीन अधिग्रहण पर सरकार नहीं चलने वाली है। जेएमएम के उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष अंजनी सोरेन 72 घंटे की नज़रबंदी से रिहा होने के बाद पार्टी के नेता कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ बुधवार की देर रात रांची पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार गरीबों और आदिवासी मूलवासी की जमीन का सौदा कर बड़े उद्योगपतियों को बेच रही है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में ओडिशा में जेएमएम सियासी पिच पर कैसा प्रदर्शन करती है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।